हेलो एंड वेलकम ऑल। इस सेशन में हम लर्न करेंगे मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस के अंदर हम सीखेंगे कि किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, या किसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, कैसे किसी सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं, और ऐसे ही दोनों का मिक्स इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हम सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हम इस सेशन में सीख रहे हैं। आप इसको सीख कर किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, जो रूल मिलेगा सभी टेंसेस के लिए लागू होगा। तो बहुत ध्यान से सीखना है, बहुत ही सिंपल करके बताया गया है। अभी आगे बढ़ते हुए इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक होता है यस नो वाला और दूसरा होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाला। सो डब्ल्यू एच वर्ड वाला में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन। सो इन तरह के जो ये डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, इनके साथ कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये लर्न करेंगे, और फिर यस नो वाला भी लर्न करेंगे हम, साथ में निगेटिव बनाना भी लर्न करेंगे। तो निगेटिव बनाने में तो आप जानते हैं एक चीज़, जो अधिकतर लोग इस चीज़ को जानते हैं कि सेंटेंस में नॉट डाल दिया तो निगेटिव बन गया, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेंटेंस में नॉट ही डालने से नहीं, निगेटिव वर्ड को डाल दिया आप तो नॉट वो निगेटिव बन गया। निगेटिव वर्ड क्या क्या होते हैं, नॉट है, नो है, नन है, नेवर है, नोबडी है, नथिंग है, नीदर है, नॉर है, और भी होते हैं। सो हम ऐसे लर्न जब करेंगे अभी निगेटिव बनाना, तो उसमें नॉट का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन आप यह इतना जान लीजिए कि अगर सेंटेंस में नेवर है तो भी वह सेंटेंस निगेटिव कहलाता है, अगर नीदर है तब भी निगेटिव कहलाता है, इनमें से कोई भी वर्ड है तो सेंटेंस निगेटिव ही कहलाता है। सो आपको ये पता रहना चाहिए कि निगेटिव वर्ड्स मेन कौन कौन से हैं, जिस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड्स पता रहेंगे। सो हम लर्न करने वाले हैं इसी को, यही हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस की बात करें तो एक बार सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं उसको जरा देख लेते हैं। सेंटेंसेस होते हैं पांच तरह के, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इन पांचों का फिर दो उपभाग होता है, ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और फिर निगेटिव सेंटेंस। मतलब असर्टिव भी दो, इंट्रोगेटिव भी दो, इनमें होता है। तो हम जो लर्न करने वाले हैं, हम लर्न करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो मिक्स होता है। लेकिन यह सब जो बदलाव करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पर करेंगे। जैसे कोई सेंटेंस होगा आई एम अ बॉय, सिंपल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो अगर आपको इसको निगेटिव में चेंज करना होगा तो आई इसी से, हाँ इसी के बेस पे करेंगे, दिस इज अफर्मेटिव वन, सो आई एम नॉट अ बॉय, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लर्न करेंगे कैसे चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में, निगेटिव में, और दोनों का मिक्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में। आप ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा, सिंपल किया गया है और सारे तरह के सेंटेंसेस के लिए लागू है, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो। सो सबसे पहले इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक यस नो होता है और एक डब्ल्यू एच होता है। शुरू में देख लिया आपने, तो यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कैसे बनाते हैं इसको लर्न कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी भी सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को उसी सेंटेंस के सबसे पहले लिख दीजिए, बिगिनिंग में लिख दीजिए, तो बन जाएगा वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला। और डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। सो कैसे बनाएंगे हम यस नो वाला, यस नो वाला होगा तो हम क्या करेंगे कि जो अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा, नॉर्मल सेंटेंस होगा, उसके हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और सबसे आगे लिख देंगे, बाकी जितने बचे रहेंगे वहीं पे छोड़ देंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसे साइंस इज इंटरेस्टिंग, अगर इसको चेंज करना होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, इज को उठा दिया, आगे रख दिया और फिर कर दिया साइंस, इज साइंस, जो बचा है उसे लिख देंगे हम, साइंस पहले रहेगा, पहले है तो पहले रहेगा, यहाँ पर भी इज साइंस इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे, ये बन गया इंट्रोगेटिव। जो यस नो का होता है इसका यस ही बनता है, डब्ल्यू एच वाला में डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो यहाँ पे खाली यस नो का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम उठाया आगे, उठाए और आगे रखकर जितने बचे थे उसको ऐसे लिख दिया और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। नेक्स्ट वन,
इंडिया हैज हेल्प्ड बांग्लादेश, अब बताइए यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो इसको हम उठाएंगे, हैज को सबसे आगे रख देंगे और फिर जो बचे हैं उसे लिख देंगे और कुछ कहीं कोई बदलाव नहीं करेंगे। इंडिया इंडिया के बाद हेल्प्ड हो जाएगा और फिर बांग्लादेश है तो बांग्लादेश हो जाएगा। शॉर्ट में लिख देता हूँ बांग्लादेश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं ताकि पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब दिल्ली मेट्रो हैज बीन रनिंग फॉर सम ईयर्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड का हैज है और बीन है। जब दो वर्ड का रहेगा तो पहले वर्ड को उठाइए और आगे रख दीजिए, बाकी को जैसे बचा है छोड़ दीजिए, खाली पहले को ही करते हैं चेंज। तो क्या हो जाएगा, हैज और फिर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, हैज दिल्ली मेट्रो, फिर क्या बचा है बीन रनिंग फॉर, जो रहेगा वैसे ही लिख देंगे रनिंग। मैं जानबूझ कर लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आए, जल्दी जल्दी कर देने से समझ में कम आएगा। क्वेश्चन मार्क, हैज दिल्ली मेट्रो बीन रनिंग फॉर सम ईयर्स। तो केवल हैज को उठाया और बाकी को छोड़ दिया, दो रहेगा तो भी एक को ही उठाएंगे, पहले को उठाएंगे, एक रहेगा तो उठाएंगे ही, दो रहने पे भी यही करेंगे। देखिए अभी अ मेल कैन बी सेंट, तो इसको अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, कैन को पहले रखेंगे, कैन पहला वाला हेल्पिंग वर्ब राइट, जो बच्चा है सब्जेक्ट उसे लिख देंगे कैन अ मेल और फिर बी भी लिखेंगे और सेंट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अभी तो दो का देखा था, तीन है अभी यहाँ पे, गर्ल्स विल हैव बीन टॉट, विल हैव बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब। तो अब क्या करिए, सबसे पहले को उठाइए, उठा दीजिए विल, जितना बचा है वैसे ही लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, एक ही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले वाले को उठा लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए जहाँ पे है। हैज गर्ल सॉरी विल गर्ल्स हैव बीन टॉट, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दो टेंस होता है, देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, एक होता है सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है सिंपल पास्ट टेंस। ये दो होता है जिसका अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका हेल्पिंग वर्ब रहता नहीं है, आपको पहले का लेक्चर पता है, इसके जस्ट पहले का, उसमें बताया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, और आपको पता रहना चाहिए कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, ये भी पहले पिछले लेक्चर में बताया गया है डिड। तो अब क्या करेंगे, आपने क्या नियम सीखा कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को रखिए, द सन सिंगुलर है तो डू और डज में, डज सिंगुलर होता है तो डज आ जाएगा, डज द सन, और यहाँ पर जैसे डू डज लगाते हैं तो वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, पांचवा फॉर्म नहीं, ये आपने पिछले लेक्चर में सीख लिया है, डज सन राइज, अगर दिक्कत हुआ तो उस लेक्चर को देख लीजिएगा, इन द ईस्ट क्वेश्चन मार्क। रशिया अटैक यूक्रेन, अब यहाँ पे डिड होता है, एक ही होता है डिड, तो डिड हो गया, फिर रसिया आ जाएगा, बड़ा डी है, रसिया रूस को कहते हैं, और फिर डिड आ गया है तो यहाँ पे वी वन होता है, तो डिड रसिया अटैक यूक्रेन क्वेश्चन मार्क। तो आपने सीख लिया इसको कि कैसे इंट्रोगेटिव यस नो वाला बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, जस्ट पहला वर्ड हेल्पिंग वर्ब का अगर एक है तो निकलेगा ही, एक से अधिक है तो भी पहला ही निकलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, और इंट्रो जो ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट है इसका पहले बता दिया है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब आपको निकालना पड़ता है, पहले लाना पड़ता है फिर निकालना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट में सीखते हैं हम कि जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं इंट्रोगेटिव उनका कैसे करते हैं, उनका रूल तो देखना पड़ेगा हमें, उनका रूल है कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं। पिछले में क्या किया, खाली हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया था, अभी डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और जितना बचेगा उतना छोड़ देंगे, और ये सब कहाँ लिखेंगे, सेंटेंस के शुरू में ही लिखेंगे, समझिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हूँ, इसी को लगाना है हमें। साइंस इज इंटरेस्टिंग, तो अभी वाई लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड और वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वाई इज, अब जो बचा है उसे लिख दीजिए साइंस और फिर इंटरेस्टिंग बचा है तो साइंस इंटरेस्टिंग, जल्दी लिख रहा हूँ समझ में आना चाहिए, बस वाई साइंस, वाई इज साइंस इंटरेस्टिंग, बस हो गया इसका यस नो वाला, सॉरी डब्ल्यू एच वाला,
नेक्स्ट वन वही सेंटेंस है, उसमें खाली बस कौन सा डबल एच वर्ड डालना है लिखा हूँ, हाउ यूज करना है। तो हाउ सबसे कुछ नहीं देखना, हाउ यूज करना, हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो हैज आ जाएगा। अब जितने बचे हैं वो आ जाएगा इंडिया, फिर हेल्प, फिर बांग्लादेश, जैसे बचे हैं उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में, इंडिया हेल्प्ड, HELPED हेल्प्ड बांग्लादेश, बांग्लादेश क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, दिल्ली मेट्रो हैज बीन रनिंग, वेन है, वेन, सो क्या करेंगे, वेन, और हैज बीन है तो पहला निकालिए, वेन हैज दिल्ली मेट्रो, अब जो बचा है उसे कर दीजिए, वही कहानी है। समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, फिर भी बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, समझते रहेगा बार बार। मेट्रो के बाद बीन बचा है, बीन, और फिर रनिंग, क्वेश्चन मार्क, अगर भूल भी जाऊँ तो आप नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। आगे, अ मेल कैन बी सेंट, हाउ यूज करना है तो हाउ पहले रख देंगे, कैन बी तो पहला वाला डाल देंगे कैन, जो बचा है लिख दीजिए, अ मेल, अ मेल, और फिर बी बचा है, फिर सेंट बचा है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन, गर्ल्स विल हैव बीन टॉट, वेन यूज करना है तो वेन, फिर विल हो जाएगा, विल, एक ही, तीन हो चार हो एक हो कोई बात नहीं है, विल विल, और फिर होगा गर्ल्स, तीन से अधिक हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला है, गर्ल्स, वेन विल गर्ल्स, और फिर बचा है हैव, फिर बचा है बीन, और फिर बचा है टॉट, क्वेश्चन मार्क। फिर है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पे वेन है तो वेन डाल लीजिए, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इसका डू डज होता है, तो सिंगुलर है सन तो डज हो जाएगा, वेन डज, फिर द सन, द सन, और आप जानते हैं डू डज का प्रयोग हो चाहे डिड का प्रयोग हो तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है सेंटेंस में, तो यहाँ पे राइज हो जाएगा, राइज, और फिर इन द ईस्ट, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन इज, रशिया अटैक्ट यूक्रेन, वाई, सो वाई डाल दिया, वाई के बाद डिड हो जाएगा, यहाँ पे डिड इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड, फिर रसिया, रसिया, डिड आ गया है तो वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, तो अटैक, वाई डिड रसिया अटैक, और फिर यूक्रेन, क्वेश्चन मार्क। तो आपने सीख लिया इंट्रोगेटिव का, पहले में सीखा यस नो का, अभी सीखा डब्ल्यू एच का, आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, आपको बताया कि बहुत सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं लेकिन इसमें केवल आपको नॉट जोड़ना है। तो रूल्स क्या होता है कि नॉट को हम रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं, बस कुछ नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल, देखिए साइंस इज इंटरेस्टिंग, तो क्या करेंगे, साइंस इज, अब यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे और फिर हो जाएगा इंटरेस्टिंग, साइंस इज नॉट इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप। दूसरा देखिए, इंडिया हैज हेल्प्ड बांग्लादेश, निगेटिव बनाना हुआ तो क्या करेंगे आप, हैज के बाद नॉट जोड़ देंगे, इंडिया हैज नॉट हेल्प्ड बांग्लादेश, ओके। देन दिल्ली मेट्रो हैज बीन रनिंग, अब यहाँ पे दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले के बाद ही जोड़ेंगे, दिल्ली मेट्रो हैज नॉट बीन रनिंग, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट डालना है। अ मेल कैन बी सेंट, तो यहाँ पे कैन के बाद आप नॉट डाल दीजिए, तो अ मेल कैन नॉट बी सेंट। फिर है विल, सॉरी गर्ल्स विल हैव बीन टॉट, तीन वर्ड का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, फिर भी पहले के बाद ही नॉट डालेंगे आप, कुछ नहीं करना है, तो गर्ल्स विल नॉट हैव बीन टॉट, ध्यान रखना है आपको, अगर आपको समझ में आ गया है तब भी सुनते रहिए, क्योंकि जितना ही अधिक समझेंगे उतना ही दिन तक याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे फिर। सो गर्ल्स विल नॉट हैव बीन टॉट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब डालना पड़ेगा हमें, है नहीं ना, निगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो फिर द सन, डज लाना पड़ेगा, फिर नॉट लिखना पड़ेगा, और फिर डज आ गया तो राइज ही रहेगा, और फिर इन द ईस्ट, ये हो जाएगा। लास्ट है रसिया अटैक्ट यूक्रेन, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लाना पड़ेगा, तो हो जाएगा रसिया डीड नॉट, बी वन ही हो जाएगा यहाँ पे भी, अटैक यूक्रेन, यूक्रेन हो गया। तो इस तरह से
आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट डालकर। पहले इसलिए बोला कि कुछ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक वर्ड के होते हैं, इसलिए अभी दोनों का मिक्स। इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, डब्ल्यू एच और चाहे यस नो, किसी भी तरह का, दो तरह का होता है ना, दोनों पर हमने किसी भी तरह का हुआ तो एक ही रूल है। क्या रूल है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनाते हैं, पहले सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं और बनाने के बाद हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट को डालते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाना है किसी अफर्मेटिव को, तो सबसे पहले उसको इंट्रोगेटिव बना दीजिए। बना देते हैं, देखिए आप यस नो को ही बना सकते हैं, दोनों बनाते हैं वाई से। सो वाई वाला पे चले जाते हैं जहाँ बनाए हैं हम, जाना ठीक उचित नहीं है, रुक जाइए। सो हम क्या करेंगे, वाई से बनाइए, वाई और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे, वाई इज साइंस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क। अब इधर निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इधर सब्जेक्ट के बाद जोड़ देंगे नॉट, ठीक है। अगर इज से बनाना हो तो इज फिर साइंस इंटरेस्टिंग, ऐसा ही रहेगा। इंट्रोगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव बना रहे हैं फिर निगेटिव उसको कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो इज साइंस नॉट इंटरेस्टिंग। अब आगे इंडिया हैज हेल्प बांग्लादेश, तो यहाँ पे हाउ से अगर करते हैं तो हाउ हैज इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश, शॉर्ट में लिख देता हूँ बांग्लादेश को, क्वेश्चन मार्क। सुन अब यहाँ पे अगर हैज से करना है तो, क्योंकि हैज इसका हेल्पिंग वर्ब हैज इंडिया हेल्प्ड बांग्लादेश, तो अब नोट बनाना है तो इंडिया के बाद आपको नोट जोड़ना है, सब्जेक्ट के बाद जोड़ना है, कहीं भी कुछ भी कितना भी रहे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी रहे, सब्जेक्ट के बाद ही जोड़ना है आपको, राइट। तो अब एक ही बनाता हूँ, एक में डब्ल्यू एस से, दूसरे में यस नो वाला से। दिल्ली मेट्रो हैज बीन रनिंग, यहाँ पे वेन से बनाते हैं। सो वेन हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज दिल्ली मेट्रो बीन रनिंग, ये हो गया। अब निगेटिव करेंगे इसको तो दिल्ली मेट्रो सब्जेक्ट है तो इसके बाद नॉट, क्या हो जाएगा, वेन है दिल्ली मेट्रो नॉट बीन रनिंग, राइट। अब यहाँ पे कैन से बना देते हैं, एक यस नो वाला से, कैन, कैन के बाद हो जाएगा अ मेल और फिर हो जाएगा बचा है जो बी सेंट, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे मेल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, कैन अ मेल नॉट बी सेंट, बी है ये, राइट। वेन से बनाते हैं तो सो क्या हो जाएगा, वेन और विल गर्ल्स फिर हैव बीन बचा, हैव बीन टॉट। अब निगेटिव बनाएंगे तो गर्ल्स के बाद क्या करेंगे, नॉट, When will girls not have been taught? Does से बनाते हैं, So does the sun rise in the east? Right? So negative करेंगे तो sun के बाद, sun के बाद subject के बाद not जोड़ देंगे, Does the sun not rise in the east? Right? Then यहाँ why से बनाते हैं, why did आ जाएगा, Russia, रसिया, देन अटैक यूक्रेन। सो आप क्या करें, निगेटिव में नॉट डालेंगे सब्जेक्ट के बाद रसिया, तो वाई डिड रसिया नॉट अटैक यूक्रेन। तो इस तरह से आपने सीखा इस सेशन में कि अफर्मेटिव सेंटेंस से कैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, साथ में डब्ल्यू एच वर्ड सीखा, साथ में निगेटिव वर्ड सीखा। अगर ये आपके लिए उपयोगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिए बहुत लोगों तक, ताकि बहुत लोगों को इसका फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।